नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अरिंदम और आज फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और आज ये और एक अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आया हूँ आपके पास, और वो है मीवी थंडरबीट्स ब्लूटूथ ईयरफोन। ये एक नया कंपनी है मीवी, और इसने अभी लॉन्च किया है एक वायरलेस ईयरफोन्स। और चलिए देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है। मैं आपको सबको समझा दूंगा कैसे यूजेज है, क्या क्या फंक्शनलिटीज़ है, प्रोज एंड कॉन्स सब हम ये वीडियो में इन डेप्थ कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बॉक्स के बारे में। तो ये बॉक्स काफ़ी अच्छा है पैकेजिंग। बॉक्स का शेप एक पुराना दिनों का कैसेट के जैसा है, और कैसेट के डील के बीच में वी कैन सी दैट दो ईयरफोन्स का नज़ारा दिख पा रहा है। तो बॉक्स का पीछे की तरफ देखते हैं, बॉक्स के पीछे में ये इसका सब फीचर्स लगे हुए हैं, जैसे कि इसके पास इसका एक माइक्रोफोन है जो नॉइस कैंसिलेशन वाला है। ओके, एंड देन बेस है अच्छा, और इसका मैग्नेटिक लॉक्स है, तो जब आप यूज़ नहीं कर रहे तो आप अटका के रख सकते हैं अपने गले के अराउंड। मेटालिक शील्ड है, और एप्टेक्स ऑडियो कोडेक सपोर्ट करते हैं जो नया नया स्मार्टफोन्स में आ रहे हैं अभी, जैसे कि वन प्लस 5 में। तो एप्टेक्स ऑडियो कोडेक से आपका साउंड क्वालिटी और भी बढ़िया रहेगा। तो ये है, और चलिए अब ओपन करते हैं बॉक्स को। ये बॉक्स कुछ इस तरह खुल जाते हैं, और आप देख पा रहे हैं अंदर का पैकेजिंग ऐसा है, वीवी लिखा हुआ है, और ये पूरा मेटल का है शाइनी। तो चलिए इसको निकालते हैं। इसमें एक कैरिंग पाउच है, उसका अंदर क्या क्या है हम देखेंगे जल्दी। और एक यूज़र स्टार्ट गाइड है, इसमें सारा फंक्शनलिटीज़ लिखा हुआ है। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, देख पाएंगे क्या क्या फीचर्स है, कैसे चलाते हैं ठीक से। और ये आ गया आपका ईयरफोन्स खुद, मैं इसको निकाल देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मेटल का है पूरा, और ये अंदर का प्लास्टिक बॉडी है, लेकिन अच्छा प्लास्टिक क्वालिटी यूज़ किया गया है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आई थिंक। ये आप अच्छे से देख पा रहे हैं, और ये है इसका माइक्रोफोन सेट, जिसके साथ 3 बटन्स दिया गया है, और पीछे में कुछ नहीं है, साइड में एक यूएसबी पोर्ट है। ये रहा यूएसबी पोर्ट है, जो प्रोटेक्टेड है बाय एन रबर कवर। इसको ओपन करके आप अंदर देख पा रहे हैं एक माइक्रो यूएसबी कनेक्टर है, जिसके सारा आप चार्ज कर सकते हैं कोई भी माइक्रो यूएसबी डेटा केबल या चार्जर से। तो चलिए और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिल रहा है हमारा। हमें ये सब मिलते हैं चीज़ें, लाइक 4 ईयर टिप्स मिलते हैं, और यहाँ भी 2 इंस्टॉल किया है ऑलरेडी ईयरफोन्स में। 2 क्लिप हुक्स मिलते हैं, एक बड़ा है एक छोटा पेयर, यहाँ भी 2 लगे हुए हैं ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट। और एक चार्जिंग केबल मिलता है जो माइक्रो यूएसबी टाइप का है, आप देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं ये ईयरफोन्स को कैसे यूज़ कर पाएंगे आप। पहले सेटअप करते हैं, सेटअप करते टाइम आपको लेफ़्ट एंड राइट देखना पड़ेगा, जो माइक्रोफोन साइड जिस साइड में है वो राइट साइड है, प्लस ये यहाँ पे लिखा हुआ है आई थिंक आप लोग देख पा रहे हैं, ये राइट है और ये लेफ़्ट है। तो हम ऐसे पॉइंट करेंगे अपने तरफ, और ये हुक्स है जो 90 डिग्री घुमा देंगे
ऐसा, ये भी सेम 90 डिग्री घुमा देंगे अपने तरफ, तो अब कुछ तरिया ऐसा दिखना चाहिए। और इसे ऐसे पहन सकते हैं आप, अब देख। ईयरफोन्स को चालू करने के लिए लॉन्ग प्रेस कीजिए मिडिल बटन को, ये चालू हो गया और रेड एंड ब्लू ब्लिंक कर रहे, मतलब पेयरिंग मोड में है। अभी हम सर्च करेंगे हमारे फ़ोन में, फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन कीजिए और विजिबिलिटी ऑल कर दीजिए और सर्च कीजिए। ये आ गया हमारा वीवी टी बीट्स, यही है, इसको क्लिक करते हैं, ये पेयरिंग हो रहा है और पेयरिंग हो गया, कनेक्टेड लिखा है फ़ोन में। और ये भी रेड एंड ब्लू लाइट बंद हो गया ब्लिंक करना, और ओनली ब्लू लाइट ब्लिंक कर रहे हर 2-3 सेकेंड बाद बाद, तो पेयरिंग हो गया। अब आता हूँ कंट्रोल्स में, कॉल रिसीव करने के लिए ये बटन को क्लिक कीजिए और रिजेक्ट करने के लिए इसको लॉन्ग प्रेस कर दीजिए, और फिर प्लस बटन, दिस इज प्लस बटन, इसको क्लिक करने से वॉल्यूम अप होगा, इसको क्लिक करने से वॉल्यूम डाउन होगा। लॉन्ग प्रेस करने से आपका नेक्स्ट ट्रैक जाएगा, और ये लॉन्ग प्रेस करने से आपका प्रीवियस ट्रैक आ जाएगा। तो बैटरी जब लो हो जाता है तब ऐसे रेड एलईडी ब्लिंक करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ईयरफोन्स का थ्रू जो साउंड वॉइस आ रहा है उसको मोबाइल फ़ोन में स्विच करने के लिए, तो इसको डबल प्रेस कीजिए मिडिल बटन को, तो आपका हो जाएगा। और आप बात करते हैं डबल कनेक्शन मोड के बारे में, मतलब ये डिवाइस अप टू 2 ब्लूटूथ डिवाइस पर कनेक्टेड हो सकता है। तो हमारा ये पहला डिवाइस में कनेक्टेड है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और एक डिवाइस में हम कैसे कनेक्ट करेंगे, ये लाया और इसका ब्लूटूथ चालू किया, चालू हो गया, और अभी ये इसमें प्लस एंड माइनस बटन को थोड़ी देर के लिए हम प्रेस करेंगे एक साथ। अब देख पा रहे हैं फिर से पेयरिंग मोड में चला गया ये, और यहाँ पे मीवी टी बीट्स आ रहे हैं, तो इस पर क्लिक कीजिए, पेयर्ड पेयरिंग हो रहा है, अब कनेक्टेड हो गया है। तो सेकंड डिवाइस में कनेक्टेड हो गया है, अब फर्स्ट डिवाइस में कनेक्टेड करने के लिए ये डिसकनेक्ट हो जाएगा फर्स्ट डिवाइस में ऑटोमेटिकली। फर्स्ट डिवाइस में कनेक्ट करने के लिए इसको पेयर डिवाइस में टैप कीजिए इसको, अब दोनों डिवाइस में कनेक्टेड है, आप देख पा रहे कनेक्टेड है दोनों डिवाइस में ये। और आपका दोनों फोन्स में किसी में फ़ोन में कॉल आए तो आप कॉल अटेंड कर सकते हैं, और अगर गाना भी सुन रहे हैं तो आप स्विच कर सकते हैं। साउंड क्वालिटी के बारे में बात करें तो इसका बेस बहुत ही अच्छा है, बहुत ताल तेज़ है, और इसका वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है, मुझे तो कभी 80% से ज़्यादा नहीं करना पड़ा। और इसका हाइस भी अच्छा है, पर मुझे जो लगा कि मिड्स वोकल्स वो उतना थोड़ा प्रोनाउंस्ड नहीं है, इससे भी क्लियर हो सकता था, क्योंकि मैंने पहले भी सोनी का ईयरफोन यूज़ कर चुका हूँ, सोनी में बहुत ही क्लियर आता है वॉइस, तो इसमें उतना नहीं है, पर ठीक है, काम चल जाता है। और बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो बैटरी मैंने घर के अंदर यूज़ किया, बाहर भी यूज़ किया, कॉल रिसीव किया, गाना भी सुना, ये सब करके एवरेज 7.5 to 8 hours दे रहा है अभी बैटरी। तो मतलब कंपनी जो क्लेम करते हैं 7 hours ऑफ बैटरी टाइम, तो ये सच है, सच में दे रहा है। और साउंड आइसोलेशन के बारे में बात करते हैं तो साउंड ये आइसोलेट करते हैं काफ़ी अच्छा। मुझे तो बहुत बिजी ट्रैफिक में बाहर में था, फिर भी मैं कॉल अटेंड कर पाया और गाना भी सुन रहा था, तो बाहर का ट्रैफिक नॉइजेस नहीं आ रहा था, एकदम ही कंप्लीट प्योर
लिसनिंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इससे। अब प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, तो इसका प्राइसिंग हालांकि लिखा है 4999, अभी मीवी अमेज़न में सेल कर रहे हैं, तो 2699 में मैं ये ख़रीदा नॉर्मल लाइटनिंग डील में, और ये नॉर्मल प्राइस है 2999। आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट लिंक्स और सब कुछ नीचे मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, अगर आपको ख़रीदना है तो वो लिंक भी दे दूँगा, प्लीज़ उस लिंक से ख़रीद लीजिए ताकि हमारा चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है जब आप ख़रीदते हैं वो लिंक से। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे, और अगर आपका कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वायरीज है रिगार्डिंग मीवी थंडर बीट्स, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों।